अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। अल कासिबो हबीबुल्ला, हाथ से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। ये यहाँ पे अंकल हमारी मदद कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्टिक है हाइकिंग के लिए, तो भाई के लिए ये बना के हमें दे रहे हैं। और जब हमने अंकल से बात की तो उनकी डेली रूटीन यही है कि वो सुबह आते हैं, थोड़ी सी लकड़ियाँ लेके जाते हैं, बाकी वो अपने साथ चारा लेके जाते हैं जानवरों के लिए। और ये उनकी डेली रूटीन है, गांव से यहाँ पे आते हैं। हमारे गांव के साथ वाले गांव से इनका तल्लक है और इनकी फ़िटनेस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये आज इनकी रूटीन है, आज से कुछ टाइम पहले हमें हमारे वालिद साहब बताते थे, हमारे मतलब दादा के टाइम पर हमारे गांव से लोग भी आके यहाँ से ही लकड़ियाँ लेके जाते थे। और नीचे जहाँ पे चश्मा था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, वहाँ पे उन्होंने कमरे बनाए हुए हैं, वहाँ ज़मीन है, हमारी भी ज़मीन है, जानवर वगैरह वहाँ रखे जाते थे और रोज़ वापस गांव नहीं जाते थे, यहाँ पे ही रहते थे। जो दूध वाली गाय वगैरह होती थी वो गाँव छोड़ देते थे और बाकी जानवर यहाँ रखे जाते थे क्योंकि उनके लिए फिर चारे का बंदोबस्त करने का कोई मसला नहीं था। वो यहाँ से ही चारा लेते, पानी लेते और शाम को उनको सेफ जगह पे रख दिया जाता। तो यही रूटीन थी। यहाँ से अंकल ने हमें बना के दिया, ये आप ट्रैक देख सकते हैं, आप हरियाली देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इलाका है। और अंकल के साथ यहाँ पर जो गपशप हुई उसमें उन्होंने मेन यही बताया कि जब यहाँ पे कुछ टाइम पहले, आप कह सकते हैं 1970 में, यहाँ पे इस तरह की बड़ी मार्केट चकवाल में नहीं होती थी। चकवाल भी उस टाइम पे ज़िला जेलम के साथ था और नीचे ये लोग ऐसे ही जाते थे, इन्हीं रस्तों से लिलाब जाते थे और वहाँ से खाने पीने का सामान लेके आते थे जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता था। अभी आप देख सकते हैं हर तरफ पहाड़ हैं और थोड़ा सा आगे जाएँगे तो आपको हमारा गाँव भी नज़र आएगा। यही रूटीन थी जी, बहुत टफ़ लाइफ थी। फिर जब सुई गैस आई तो उसके बाद, वरना यहाँ पे कहते हैं कि एक टाइम पे इस तरह की हरियाली ख़त्म हो गई थी, घास होता था, जड़ी बूटियाँ होती थी, लेकिन इस तरह दरख्त नहीं होते थे क्योंकि लोग रूटीन में लेके जाते थे। अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं अंकल को, उन्होंने थोड़ा सा उठाया हुआ है और ये वज़न उठा के वो अपने साथ ऊपर पहाड़ी आराम से चढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी डेली रूटीन है। और आपको इससे अंदाज़ा भी होगा कि हमारा जो इलाका है ये वनहार चकवाल का, वनहार पंजाबी में ऊंची जगह को कहते हैं, तो यहाँ पे जो 70 साल एज है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अबव 80 हैं। तो उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ पे जो रहन सहन है वो तकरीबन नेचर के करीब है और कोई भी चीज़ जो नेचर के करीब होगी वो ओरिजिनल होगी और उसके साइड ज़िंदगी का मज़ा। जी हमने भी बहुत से मुल्क घूमे हैं, बहुत सारी जगह घूमी है, सिटी, जो मज़ा गांव का है, इस लाइफ का है, वो दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं हम जब यूएई में जाते थे तो जब वापस एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हरियाली बिल्कुल ही अजीब सी लगती है, आंखें तरस जाती हैं इस तरह की हरियाली को, क्योंकि यूएई में अलहैन में सब्ज़ा है, बाकी आपको कोई इस तरह का सब्ज़ा नज़र नहीं आएगा, सहरा नज़र आएंगे। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हरियाली आप अगर देखें तो ये आंखों को ठंडक देती है। तो हमारा इलाका पूरा हरा भरा है, हर तरफ जो कुदरती खूबसूरती है, पानी के मीठे चश्मे हैं और अल्लाह की दी हुई हर नेमत है इस इलाके में। मैं आप लोगों को कहूँगा कि कोशिश किया करें कि माल वगैरह के बजाय इन जो कुदरती खूबसूरत जगह हैं, जो नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ का विज़िट किया करें, आपकी जो रूह है उसको सुकून मिलेगा। अभी आप देखें यहाँ से हम जा रहे हैं तो हर तरफ हरियाली है, हर तरफ सब्ज़ है, आँखों की ठंडक है, बहुत सुकून है, परिंदों की आवाज़ें हैं, बहुत पुरसकून हो जाता है बंदा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो बाहर घूमने फिरने के शौकीन हजरात हैं वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहों पर जाएं जो कुदरती तौर पे खूबसूरत हैं, पार्क वगैरह हैं उनको बनाया जाता है फिर भी ठीक हैं, अच्छे हैं, जाना चाहिए वहाँ पे, लेकिन ऐसी जगहों का विज़िट करें जो कुदरती तौर पे बिल्कुल ग्रीन और ख़ूबसूरत हैं। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपके पास बहुत ही दिलचस्प वीडियोज़ आएँगी, स्टोरीज़ आएँगी, लेकिन मैक्सिमम स्टोरीज़ जो होंगी वो नेचर के करीब करीब होंगी। आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सैर भी करवाई जाएगी।
दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो, हमारी कावश पसंद आएगी। आप वीडियो को एंजॉय करें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई अहम उस्मान आमिर। अल्लाह हाफिज। केह रखा वा उस डेरे ते? डेरे ते कोई रखी हुई उस गाइयां मझा भी? बिलकुल आंदा कोई सी जीप रखी हुई या पैदल आंदा? ठीक है।